हमें हमेशा सिखाया जाता है कि हम सबकी इज्जत करें, दूसरों की कद्र करना सीखें, मगर ये कभी नहीं कि खुद की इज्जत करें। इट टेक्स टाइम टू लर्न। आप सोचो कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ और अच्छी चीज़ें डिजर्व करता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर एंटाइटल्ड हो जाएं। आपके पास तीन चीज़ें होती हैं, करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप। आपको ऑनेस्टली इन तीनों को कैसे हैंडल करना है ये बहुत अच्छे से सीखना होगा, वो भी पूरे टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ। साधारण सी बात है कि अगर आप अपनी इज्जत नहीं करते तो दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो आपकी इज्जत कर सके। और अगर आपके साथ कोई गलत ट्रीट करे, वैसे कुछ रिश्तेदार या कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी जुड़े होते हैं जो शायद नहीं होने चाहिए, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे हमें अच्छा सीखने को नहीं मिलता या जिनकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते, ऐसे लोगों या रिश्तों को छोड़ दीजिए। बात आपको थोड़ी अजीब सी लग रही होगी कि रिश्तों को कमाया जाता है ऐसा सुना है, लेकिन रिश्तों को छोड़ा भी जाता है, वो भी ऐसे जिनकी वजह से आप कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, ये आपके मार्ग में बाधा बन रहे हैं और आपको डिस्ट्रैक्ट कर। मुझे विश्वास और उम्मीद भी है कि आप जिंदगी का मजा खुश होकर लेंगे और सबसे ज्यादा खुद को इम्पोर्टेंस देंगे। तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, जिंदगी को एंजॉय करिए, और दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं हमें क्या मतलब, ये आप कभी ना सोचें कि हमारे बारे में वो क्या राय रखते हैं। आप खुश होकर आगे बढ़िए और बड़ी मेहनत के साथ सफलता को प्राप्त करिए और खुश होकर जिंदगी का मजा लीजिए। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन स्माइलिंग, स्टे कनेक्टेड।